ओम शांति। सभी लोग प्यार से बोलेंगे ओम शांति। ओम शांति। आज जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय समाज में, देश में, विदेश में, हर जगह है, वो किस चीज की चर्चा है सबसे ज्यादा? टेंशन, डिप्रेशन। तो ये टेंशन और डिप्रेशन क्या है? आपने इसका गहराई से अध्ययन किया कि ये कहां से आता है, क्यों आता है? पहले किसी को टेंशन नहीं होती थी, डिप्रेशन नहीं होता था, लेकिन आज टेंशन और डिप्रेशन दोनों ही चल रहे हैं। क्या कारण होता होगा? और आपको बता दें, जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास सब कुछ है, भगवान की कृपा से कोई कमी नहीं है, उनको भी हो रहा है, क्या कारण होगा? माया, माया में फंस गए। हाँ, तो जो हमने जिस चीज को देखा और समझा, वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। टेंशन और डिप्रेशन का जो कारण है, वो मेन ये है कि हमारे जो संबंध हैं, हमारे जो रिलेशन हैं, एक ह्यूमन का दूसरे ह्यूमन के साथ, वो डिस्टर्ब है। और ये डिस्टर्ब होने से जो हमारी एनर्जी है, वो दूसरे तक नेगेटिव जाती है, फिर रेस्पॉन्ड में उसकी भी नेगेटिव एनर्जी हमारे पास आती है। और ये जो नेगेटिव एनर्जी जब मिलती है, तो फिर हमारी जो बैटरी है, वो धीरे 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 डाउन होने लगती है। और जब डाउन होने लगती है, तो दिमाग में ऐसे कुछ आ जाते हैं ब्लॉकेज, जिससे व्यक्ति धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगता है। आज आप घर परिवार समाज की स्थिति देख रहे हैं, सबको बस अपने अपने से मतलब है। और आजकल तो इतना सुंदर सिस्टम चला है मोबाइल का, तो सभी लोग क्या करते हैं, सब अपने अपने मोबाइल में बिजी होते हैं। पास में बैठे हैं सभी लोग, जो घर में लिविंग रूम होता है, सब पास में बैठे हैं, लेकिन उस लिविंग रूम में भी सब अपने अपने मोबाइल में बिजी होते हैं। डाइनिंग टेबल पे भी बैठे हैं, तो सब अपने अपने मोबाइल में बिजी होते हैं। तो जो रिलेशन होना चाहिए, रिलेशन में क्या है? बातचीत। और बातचीत आज हो रही है? कहेंगे बातचीत हो रही? नहीं हो रही है। तो जब ये बातचीत नहीं होती है, तो व्यक्ति क्या करता है? फिर अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। और पता है, जब ऐसा होता है, तो कभी कभी ये ज्ञान योग भी काम नहीं आता है। फिर व्यक्ति वही सोचता है। तो इसीलिए हम जितना अच्छा संबंध परमात्मा से बनाएंगे, क्योंकि परमात्मा ने कई बार ये बात हमें कही है कि परमात्मा सर्व संबंधों की सैक्रीन है। क्या है? क्या है? सैक्रीन है। और सैक्रीन है, तो उससे जब योग लगाएंगे, तो सारे संबंधों का सुकून और रस हमें उससे मिलेगा। और जब हमारा संबंध उससे ठीक नहीं होता है, तो फिर हम इससे मांगते, उससे मांगते, उससे मांगते हैं, और मिलता है नहीं, क्योंकि कोई भी देने की कंडीशन में है नहीं। सब खाली है। एक भिखारी दूसरे भिखारी से ये कहे कि हमको कुछ दे दो, मिलेगा? इस कलयुग में आते आते सबकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। तो अगर सुकून से जीना है, तो एक स्लोगन पक्का करो, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए।
कौन सा स्लोगन का करें? मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। वैसे तो दुनिया कि जो भी चीज हम देते हैं वो बढ़ती है, जो स्पिरिचुअलिटी में बोलते हैं ना, जो स्पिरिचुअल होती है, नैतिक मूल्य है और भी चीजें हैं जो भी मतलब नैतिकता से संबंधित, स्पिरिचुअलिटी से संबंधित जो भी चीजें होती हम देते हैं तो कहते हैं वो बढ़ती हैं। आप भी मानते हैं ऐसा? कितने लोग मानते हैं बढ़ती हैं? जितना हम बांटेंगे शेयर करेंगे उतना बढ़ते हैं। कितने लोग ये मानते हैं कि बढ़ते हैं? कितने लोग ये मानते हैं बढ़ते हैं? अच्छा, तो बढ़ते हैं तो फिर लोग करते करते थक क्यों जाते हैं? हमारी माताएं भी बहुत थक जाती हैं, कहती है ना सुबह से शाम तक कितना भी करो कर करके मर जाओ, लेकिन उससे दो शब्द तारीफ के नहीं निकलते। तो कहां बढ़ा? बढ़ा फिर कहां से बढ़ेगा? तो बढ़ने का तरीका भगवान ने बताया है, कनेक्शन वहां जोड़ना है, वहां से भरना है, फिर यहां डिलीवरी करनी है, तब बढ़ेगा। हम तो खाली हैं, मानती हूं खाली हैं, क्योंकि अगर खाली ना होते तो टेंशन और डिप्रेशन होता ही नहीं। खाली है ना, चाहिए है ना, सबको ये चाहना है कि घर परिवार में सब लोग जो है क्या करें, मुझे बात करें, हमने जो काम किया है उसकी तारीफ करें, कुछ कहें अच्छा। ऐसी तो है, जब कोई नहीं करता है तो फिर मन कैसा हो जाता है? भारी हो जाता है। और जब हमें ऐसा अपनों का साथ मिलता है, ऐसी एनर्जी मिलती है, तो जब ऐसा होता है तो यकीन मानिए व्यक्ति कभी टेंशन और डिप्रेशन में नहीं जाएगा। जब अपनों का साथ नहीं मिलता, बाहर वालों को तो व्यक्ति झेल जाता है, किसको नहीं झेल पाते? जो हमारे साथ रह रहे, जिनको हम अपना कहते हैं, धक्का वहीं तो लगता है। तब परमात्मा ने कहा कि मैं सर्व संबंधों की सैकरीन हूं, तुम्हें यहाँ किसी से नहीं मिलेगा, ये कलयुग है, ये दुख धाम है और लास्ट का समय है। 63 किताब बनाए हैं, उसके तहत ही ये सब कुछ हो रहा है और इस ड्रामा में किसी की कोई गलती नहीं है। आप लोग मानते हैं किसी की कोई गलती नहीं है? और ड्रामा कल्याणकारी है ये भी भगवान कहता है। क्या कल्याण है इसमें? अगर घर परिवार वाले ज्यादा प्यार देते तो हमें भगवान का प्यार समझ में आता, नहीं आता ना? वो नहीं दे रहे, इसीलिए हमें भगवान का प्यार समझ में आ रहा है। तो ये भी कल्याण हुआ ना? नहीं हुआ? हुआ। तो इसलिए बाबा ने दो लाइनें बोली, ड्रामा कल्याणकारी है और नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं, जो आप बोके आए वो आपके सामने आ रहा है, बस अपनी विचारधारा बदलिए और हर दृश्य को पॉजिटिव देखिए और सोचिए, तो आप टेंशन फ्री होके अपना जीवन जी सकते हैं। कई बार बताया है, लौकिकता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दो, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दो और ये सब होगा राजयोग से। तो जितना हम परमात्मा से संबंध बनाएंगे, उसकी पावर रिसीव करेंगे, उतना ही हम लोगों को दे पाएंगे। इस ज्ञान का यही सार है, अपने जीवन को कैसे जीना है, जो ये कला सिखाता है वो ये राजयोग है, और भगवान के अलावा ये कला कोई सिखा नहीं सकता। एक प्रैक्टिकल एक माता जी की कहानी है, हमारे सेंटर पे आती हैं माता जी, तो उनको एक बीमारी होती है हर्पीस की, तो वो उनको बीमारी हो गई, उनको नहीं समझ में आया कि हमको ऐसी बीमारी हो गई है। उसमें बुखार भी बहुत रहता है, दर्द भी बहुत रहता है,
बेचारी बहुत परेशान, और चार बहुएं और नाती पोता। वो माताजी अपना नीचे रहते, नीचे बहुएं और बेटे भी रहते, पर किसी को नहीं पता या किसी को खबर नहीं कि वो माताजी को क्या हो गया, ना किसी ने पूछा। वो खुद ही डॉक्टर के पास गई, खुद ही दवा ले ली, खुद ही अपना सही हो गई और खुद ही अपना जीवन चला रही। तो ऐसा हाल है, तो ऐसे में भगवान के अलावा है कोई अपना? लोग परेशान होते हैं, बच्चे हों और जिनके बच्चे हैं, ये टेंशन है, ये डिप्रेशन है। जिनके नहीं होने तो ये तसल्ली है कि है ही नहीं, पर जिनके हैं और वो ना पूछे कैसा लगता है। तो ये सारी बातें हैं, तो इसमें ये राजयोग हेल्प करता है, परमात्मा हमें मदद करते हैं, ठीक है। तो हम एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहें, एक दूसरे को समझें, यही भगवान हमें सिखाता है। और मुरली में कई बार बाबा ने कहा है, बच्चे मीठा बनो, किसी को कभी कड़वे वचन नहीं बोलो, ऐसी बात नहीं बोलो जो दूसरे का मन खराब हो। तो हमें अपने पार्ट को देखना है, अपने को चेक करना है और चेक करके चेंज करना है। अभी मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम शांति।